बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पीआर के स्कोप क्या है, पीआर से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब चल रही होती है हमारी लाइफ में। किसी की लाइफ में पैसे की कमी है, किसी की लाइफ में पैसा आता है पर टिकता नहीं, खर्चे ज़्यादा होते हैं। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मतलब बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, किसी भी वजह से दूरी रह सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी को अफेयर नहीं हुआ किसी का, तो उसकी वो प्रॉब्लम है। किसी के साथ ऐसा होता है कि उसकी शादी टाइम पे नहीं हुई, तो वो प्रॉब्लम है। किसी की शादी हो गई पर निभ नहीं पा रही, तो वो प्रॉब्लम है। अच्छी फैमिली, अच्छा कमाते हैं पर फिर भी शादी टिक नहीं पा रही। किसी का बच्चा नहीं हो रहा, तो वो प्रॉब्लम है। किसी का बच्चा हो गया तो हमेशा बीमार रहता है। इतनी छोटी उम्र में कहीं कि मैंने सुना है कि बच्चों के कैंसर हुआ होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे बच्चों के साथ। हर बच्चे के साथ तो नहीं होती, किसी किसी बच्चे के साथ होती है। ऐसा क्यों? एक ही फैमिली में दो बच्चे हैं, एक बहुत भारी है, एक बहुत पतला है, मतलब एक बहुत वीक है और एक बहुत, जिसे कहते हैं, हेल्दी है। इंडियन कल्चर में ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? पेरेंट्स तो सेम थे, एक ही जैसा मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं मिला? एक बच्चा स्वस्थ रहता है, एक बच्चा बहुत बीमार रहता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, हमारे सवाल बन के आती हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, पर दूसरा बच्चा, फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को ऊंचाई से डर लगता है तो वो आराम से दूसरा बच्चा जो है वो ऊंची बिल्डिंग से चला जाता है, बुर्ज खलीफा पर चला जाता है, और दूसरा बच्चा जो है शायद वो स्विमिंग से डरता है, पर पहला बच्चा जो है वो स्विमिंग अच्छी करता है, पहला बच्चा अच्छी स्विमिंग करता है, दूसरा बच्चा पानी से डर लगता है। तो एक ही फैमिली में बिल्कुल ऑपोजिट्स क्यों हैं? या एक ही फैमिली में ना भी हो, मतलब मैं आपको एक फैमिली का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक फैमिली में ऐसा है तो हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी को पानी से डर लग रहा है, किसी को ऊंचाई से डर लग रहा है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी के मनी मैटर्स में प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं टिकती, किसी के परेशानी, बीमारियों को लेकर परेशानी लगी रहती है, या वो बीमार रहेगा या उसकी फैमिली में कोई बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ। कई लोगों के ऊपर किया कराया बहुत जल्दी हो जाता है, कई लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? हर किसी के साथ यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? हर कोई बिना किसी नज़र के क्यों नहीं रह सकता? हर कोई बिना डर के क्यों नहीं रह सकता? हर किसी को बराबर पैसा क्यों नहीं मिल सकता? हर किसी की ग्रोथ प्रॉपर क्यों नहीं हो सकती? हर किसी की पढ़ाई जैसी क्यों नहीं होती? कोई ऐसा होता है जो छोटे घर से बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, छोटे से नॉर्मल सी फैमिली में जिसका जन्म हुआ, शायद वो आईएएस ऑफिसर बन गया, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की फैमिली में इसका जन्म हुआ, वो सिर्फ उतना ही बन पाया जितना उसके फैमिली सपोर्ट करके उसको बना पाई, वो कहीं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। आप कई बड़ी बिग फैमिलीज के नाम देख लीजिए, उनमें जब उनके दो बच्चे होते हैं उनमें से एक उस बिजनेस को बहुत बढ़ा देता है और वहीं दूसरा बच्चा उस बिजनेस को डुबा देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? ये सब हम जान सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास लाइफ से, ये सब कुछ जाना जा सकता है। और अगर हम ये जान लें तो डेफिनेटली उसके भी हम कई बार रेमेडीज़ बता सकते हैं। कई रेमेडीज़ होती हैं जो पीएलआर होने के साथ ही हो जाती हैं, सिर्फ इवेंट बेस्ड होती हैं, तो वो इवेंट पता चल जाए तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ इवेंट बेस्ड नहीं होती, वो कार्मिक बेस्ड होती हैं, और उनके लिए कई बार हमें हीलिंग करनी पड़ती है, कई बार हमें कुछ रेमेडीज़ बतानी पड़ती हैं। तो व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको बताते हैं और हमें ज़्यादातर रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले हैं। जो लोग रेमेडीज़ करते हैं ठीक तरीके से करते हैं, उनको रिजल्ट्स हमेशा मिलते हैं। कई लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, वो अपने डेली के रूटीन में ही बिजी हो जाते हैं, और जब वो बिजी हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप रेमेडी करोगे नहीं, अगर आप डॉक्टर के पास गए, बुखार था आपको, आपको पता चल गया बुखार क्यों था, आपको बोला गया कि आपको 15 दिन की दवाई लेनी है, पर आप 2-3 दिन की दवाई लेने के बाद छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली वो बीमारी वापस आएगी, वो आपको तंग करती रहेगी, वो बीमारी बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन पूरा करना चाहिए, यही मेरा कहना है। और अगर आपको ज़रूरत है तो आपको पास लाइफ ज़रूर कराना चाहिए। कई बार हम बहुत से लोगों को मना कर देते हैं कि आपको पास लाइफ नहीं करवाना चाहिए ड्यू टू देयर इंसिडेंट्स, या फिर उनके उनकी बॉडी को लेकर, उनके उनके स्टेट ऑफ माइंड को लेकर, व्हाटएवर, कई सारे रीज़न होते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल कर सकता है, पर जो लोग कर सकते हैं उन्हें हम पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो करें, उन्हें तैयारी करवाते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस के बाद उनको रेडी करते हैं ताकि वो अपना पीला कर सके, अपनी पुरानी लाइफ को देख सके, महसूस कर सके, सब कुछ जान सके, और इस मिथ से बाहर निकले कि हमारा एक ही जन्म है।
जन्म हमारे बहुत सारे हैं, शरीर एक है, अलग है, एक से शरीर जाएगा तो अगला शरीर आएगा। तो ये चीज़ें भी क्लैरिटी में आती हैं। बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, तो वो ये बातें समझ जाते हैं। बहुत से लोग अभी भी इन चीज़ों से बहुत दूर हैं और वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। जो नहीं करते वो समय आएगा वो खुद विश्वास करेंगे, और जिन लोगों को समय में आ चुका है वो उस एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहते हैं, उनको करना भी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से। थैंक यू वेरी मच।